हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल अकरम फैशन डिजाइनर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं जो हमारा कुर्ता होता है इसमें चाप में पाइपिंग धागे वाले किस तरह से लगा सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, जो आज की हमारी पाइपिंग लगेगी उसको हम गुम लगाएंगे, इसलिए इसकी बिल्कुल नजर नहीं आएगी, सिर्फ इसकी तुरपाई ही नजर आएगी। देखिए, ये रेडीमेड पाइपिंग है, इसको हमने बाजार से परचेज किया है और इसको लगाना भी बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले ये देखिए, हमने यहाँ पर कुर्ती हमारी सिलकर बिल्कुल तैयार कर ली है। अब इसका घेरा फोल्ड करने से पहले हम इसमें लगाएंगे पाइपिंग, और पाइपिंग लगाने का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों ये है, आप इस तरीके से देखिए कुर्ते को बिछा लें और जो भी आपका घेरे का मेजरमेंट है आप उसको यहाँ पर निशान लगा लें। इस तरीके से देखिए, हमने यहाँ पर कट लगा रखे हैं, ये हमारा फिक्स मेजरमेंट है और इसी से हम यहाँ पर इसको फोल्ड कर देंगे। तो प्रेस से आपको एक काम करना है इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से इस कपड़े को इस तरह से घुमा लेंगे एक बार, ठीक है, और एक बार यहाँ से ये जो हमारा कट है कट से मिला लेंगे, और उसके बाद यहाँ से बिल्कुल एक सीधी प्रेस कर लेंगे। इस तरीके से प्रेस से ये फोल्ड हो जाएगा, और उसके बाद दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से इसको कट से इस तरह से घुमा लेंगे और जो हमारी सिलाई है यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगी। आप इस तरह से देखें, ये हमारी सिलाई इस तरीके से आ जाएगी बिल्कुल, और ये हमारा कट है ये इस तरीके से आ जाएगा, और हम यहाँ पर इसमें प्रेस फेर रहे हैं और प्रेस फेर कर आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको प्रेस से फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसमें एक सीधी लाइन बन चुकी है, और इस तरह से करने से हमें पाइपिंग लगाने में बहुत आसानी रहेगी। आप चाहें तो यहाँ पर चौक का निशान भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर इसको प्रेस से सीधा किया है। अब हम इसमें लगाएंगे पाइपिंग को, और पाइपिंग किस तरह से लगेगी वो आपको हम बताएंगे मशीन पर, लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें। तो किस तरह से लगेगी पाइपिंग आपको मशीन पर बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, सिलाई लगाने में सबसे पहले आपको एक काम करना है, वो काम ये है, यहाँ पर आपको ये जो बूट है हमारा, आपको सिंगल बूट ले लेना है। ये देखिए, हम जो पहले मशीन में लगाया था ये हमारे पास डबल बूट है और ये हमारे पास सिंगल बूट है। इस तरह की पाइपिंग लगाने के लिए, धागे वाली जो पाइपिंग होती है उनको लगाने के लिए फिनिशिंग से जभी लगती है, वो यहाँ पर हम सिंगल बूट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पर यह सिंगल बूट लगा लिया है, और उसके बाद कपड़े को जमाना इस तरीके से है। ये है हमारा घेरा वाला हिस्सा, और यहाँ से हम पाइपिंग लगाना शुरू करेंगे इस तरीके से। जो भी हमारे पाइपिंग है इसके एक हिस्से को इस तरह से पकड़ लेना है और इसको जमाएंगे हम यहाँ पर इस तरीके से। ये जो हमारा, आप देखिए थोड़ा नज़दीक से, यहाँ जो आपको यहाँ पर पिंक कलर आ रहा है नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसकी जड़ में हमें इस कपड़े को रखना है जो हमें यहाँ पर प्रेस से हमने फोल्ड किया है। ये देखिए, यह आपको पिंक कलर है जो यहाँ पर गहरी कढ़ाई हो रही है, ये हमें यहाँ पर जमाना है जो हमने कपड़े की प्रेस की है, बिल्कुल इसके ऊपर जमाना है, इसको आगे पीछे बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल इसके ऊपर जमाना है। और उसके बाद इस तरीके से जमाने के बाद हम यहाँ पर इसमें सिलाई लगाएंगे, और जो भी हमारी सिलाई लगेगी बिल्कुल जो पाइपिंग है हमारी इसकी जड़ में लगेगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब भी हमारी सिलाई आ जाए, देखिए यहाँ पर हमारा एंड है सिलाई का, और यहाँ पर हमारी पाइपिंग का एंड हो जाएगा, तो हमें इससे आगे लगभग 1.5 इंच के हमें एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। यहाँ से इस कट के बराबर से पाइपिंग को नहीं काटना है, इसको थोड़ा आगे ले जाकर काटना है, और उसके बाद ये जो देखिए पाइपिंग का अगला वाला हिस्सा है, इसको हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे जो इसके अंदर चला जाएगा, और हमारी सिलाई को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे जिस तरीके से पीछे से हमने की है। इस तरीके से पाइपिंग लगाने के बाद आप देखिए, एक बार फिर से हमें सिलाई लगानी है, वो लगानी है हमें यहाँ पर किनार पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ये पाइपिंग लगा ली, सेम इसी तरीके से हमें जो चारों पल्ले हैं हमारे उनमें इसी तरीके से पाइपिंग लगानी है, और पाइपिंग लगाकर आपको दिखाते हैं। इस तरीके से ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आ गया है। अब हमें एक काम करना है, जिस तरीके से हमारा नॉर्मल जो घेरा होता है उसको फोल्ड किया जाता है, उसी तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है। वो इस तरह से होगा, ये जितना भी सारा मार्जिन हमारा, हम यहाँ पर इसको इस तरीके से अंदर कर देंगे।
ये जो पट्टी आप जितनी चौड़ी रखना चाहें इतनी चौड़ी रख लें, और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर इसको फोल्ड करें, कच्ची सिलाई लगा दें, और उसके बाद यहाँ से जितना भी आपको लंबाई में रखना है इस तरीके से, और इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर हमने पाइपिंग लगा दी है, और पाइपिंग लगने के बाद इसका लुक है जो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और ये लुक है जो हमारा दोनों साइड से एक जैसा ही है। हमने अगले और पिछले चारों पल्लों में हमने यहाँ पर पाइपिंग लगाई है, और जो ये जो हमारा सूट है इसकी खूबसूरती को बढ़ाया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा जो आपको हमने पाइपिंग जिस तरीके से लगाना बताया है आपके ये समझ में आएगा, और आप इससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों, मिलते हैं आपसे कोई इससे देगा नया अगला टॉपिक लेकर, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।